इधर सतना के बीटीआई मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में अलग अलग दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी दल ने सर्व समाज गरीबों, आदिवासियों, किसानों और छोटे व्यापारियों का विकास नहीं किया। दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बताना जरूरी है कि बाबा साहब के प्रयासों से जो लाभ मिला, अब उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस ने कभी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्ष भी चुके हैं और इस्लामी अपने केंद्र या आपके प्रदेश में भी आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस दौरान या सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों ने आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज जैसे विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, खासकर छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास का उत्थान आदि हो सका है।